प्यार में धोखा खाने के बाद, रिलेशन टूट जाने के बाद, संबंध खराब हो जाने के बाद, प्यार दूर चला जाने के बाद, प्यार जब बात नहीं कर रहा हो, रिश्ता पूरी तरह से खराब हो गया हो, संबंध 100% खराब हो गए हो, ये शब्द, ये मंत्र, ये नाम सिर्फ और सिर्फ आपको 11 बार बोलना है, 11 मिनट के अंदर आपका काम हो जाएगा। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में आपकी जीत हो उसको सुनिश्चित किया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। यहां पर आपकी शादी में दिक्कत हो, शादी होने में दिक्कत हो, शादी होने आने के बाद दिक्कत हो, आपकी शादी किसी और से हो रही हो, या आपके पार्टनर की शादी किसी और से हो रही हो, या पार्टनर किसी और की तरफ जा रहा हो, सिचुएशन कैसी भी हो, हम हर हाल में आपकी मदद करते हैं। पिछले 20-21 सालों से ये सब कर्म चल रहा है और अभी तक यहाँ 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं और सक्सेस रेट यहाँ का 96% है और ये सब निरंतर जारी है। यहाँ सिर्फ इतनी हद तक बात नहीं होती, हम आपके जीवन को सुदृढ़, सुव्यवस्थित और मजबूत करने के लिए और बेहतर काम कर रहे हैं। हर भाषा, हर लैंग्वेज में, हर सिस्टम पर काम कर रहे हैं। 24/7 अवेलेबल है इस नंबर पर, हर समय आपके साथ होते हैं। आपकी जीत ही हमारी जीत है, इस पर हम हर बार मोहर लगाते हैं। आज हम कह रहे हैं कि ये शब्द, ये मंत्र, ये पावरफुल शब्द आपको बोलना है 11 बार। 11 मिनट के अंदर उनका फोन आ जाएगा, बात हो जाएगी और आपके काम ठीक होने लग जाएंगे। रिश्ता जब खराब हो जाए, संबंध जब बिगड़ने लग जाए तो कुछ समझ नहीं आता। सारी की सारी चीजें तब ज्यादा खराब हो जाती हैं जब कोई भी संवाद स्थापित ना हो पा रहा हो, यानी किसी भी तरह का कोई कनेक्शन ना बचा हो, किसी माध्यम का कोई सोर्स ना बचा हो, हर जगह से आप ब्लॉक हो गए हो। जब आपके साथ सामने वाला बात ही नहीं करना चाहता, तब सिचुएशन ज्यादा खराब हो जाती है। प्यार में सांसें तब रुक जाती हैं जब ये पता चल जाए कि अब हमारी चीज किसी और की होने जा रही है या हो गई है। प्यार में आपकी उहापोह तब ज्यादा बढ़ जाती है जब ये लगता है कि मानो अब हमसे सब कुछ छूट रहा है। आज उन्हीं सब चीजों पर आपको बेहतर करने के लिए, उन्हीं सब शब्दों से आपको मजबूती से बाहर निकालने के लिए, उन्हीं शब्दों के साथ आपको अच्छा करके आपको जिताने के लिए आज फिर से हाजिर है। आपको उपाय बताएं, सोल्यूशन बताएं, उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव सुना रहे हैं आपको। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुदेव, कोटि कोटि प्रणाम, आप ही तो हो मेरे माता पिता। आज मेरी एक्सीडेंट हो गई थी, एक चोट नहीं लगी गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपका नाम लेके ही मैं घर से निकलती हूँ, ड्यूटी भी पहुँचती हूँ तो आपका नाम लेती हूँ, आते समय भी आपका नाम लेती हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद गुरुदेव, आप हमेशा अच्छा रहे गुरुदेव, हमारे ऊपर हमेशा आशीर्वाद बने रहे गुरुदेव, कोटि कोटि धन्यवाद गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत सारा आशीर्वाद, तुम स्वस्थ रहो, बेहतर रहो, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास ही तो है कि सब ठीक कर रहा है। मैं तो बहुत छोटी चीज हूँ, तुम बड़ा मान रहे हो, ये तुम्हारी महानता है, बहुत शुक्रिया। तो अब हम कह रहे हैं कि ये शब्द 11 बार बोल देने से आपके अपनी लाइफ में संकटों का आयाम लग जाएगा, संकटों पर आयाम होगा और आपका मुकाम हासिल होगा आपको। दुनिया में जब भी समस्या बड़ी हो जाए, दिक्कत अतिसंयोक्ति पर हो जाए, तो इंसान को कुछ समझ नहीं आता। यद्यपि असंभवम् हे मृगस्य जन्म तथापि रामो लोलभे मृगायाः, फिर भी
कहते ना प्रायः समापन विपत्ति काले धियोर विपुंशामलिनी भवंती। विपत्ति के काल में बहुत बुद्धिमान लोगों की भी बुद्धि शून्य हो जाती है। आप संभालें अपने आप को, ये संकट ये मुसीबत टल जाएगा, ये कष्ट आपका समाप्त हो ही जाएगा, कोई संदेह नहीं है। लेकिन तुम जो अपने आप को खराब कर रहे हो उसका कोई इलाज नहीं है। तुम ठीक खुद को ठीक रखो, बाकी तो हम ठीक करने के लिए बैठे ही ना, क्यों परेशान होते हो। तुम्हारे ग्रह नक्षत्र, तुम्हारी पूरी की पूरी व्यवस्था, तुम्हारी हस्तरेखा, मस्तक रेखा, भाग्य, प्रारब्ध, किस्मत, दुनिया की कोई भी चीज ऐसी है ही नहीं जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है। सब पर काम किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता तो तुम्हारे चिंतन और सोच पर, तुम्हारी अव्यवस्था तो मानसिक हो जाएगी, उस पर काम कम किया जा सकता है। तो उसे संभालिए, बाकी सब ठीक कर लेंगे। उपाय बता रहा हूं, ऐसा मंत्र, ऐसा शब्द जिससे तुम्हें अपने जीवन में वो आनंद मिलेगा जिसे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपको मृगी मुद्रा बनाना है। मृगी मुद्रा दरअसल सिर्फ और सिर्फ तर्जनी और कनिष्ठिका, यानी पहली उंगली और सबसे छोटी वाली उंगली अलग कर लीजिए, बाकी अंगूठा और बीच की तीन उंगलियां जोड़ लीजिए और इसको अपने हृदय पर रखिए। ये काम आप या तो सोने के पहले, या तो जब आप सोने जा रहे हैं तब कर सकते हैं, या तो जब सुबह उठते हैं तब कर सकते हैं, या तो दोनों टाइम भी कर सकते हैं। ध्यान से करिएगा, जितना अधिक करेंगे उतना ज्यादा अधिक बेनिफिट होगा। जितना देर लगे समझना उतना पावर ज्यादा जरूरत है। तो इसको हृदय के पास रखिए, आंखें बंद करिए और बोलिए ओम ह्लीम श्रीम क्लीम सौभाग्यम वृद्धि, सौभाग्यम वृद्धि, सौभाग्यम वृद्धि, सौभाग्यम वृद्धि दो बार कहना और तीसरी बार में सौभाग्यम वृद्धि भव ऐसा कहना है। और यह हाथ मृगी मुद्रा को प्रणाम करना है, नमस्कार करके अपनी अभिलाषा अपनी कामना कहना है और थोड़ी देर शांत रहना है। आपकी इंद्रियां, आपका मनस्थिति, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका ब्रह्मांड, आपकी अलौकिक शक्तियों के पास संवाद, आपकी हर एक रोम छिद्र में एक एनर्जी है, उसका समावेश निरंतर होगा और कुछ ही पलों में एक अद्भुत चमत्कार होगा। वो क्या होगा? शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक स्तर पर कनेक्शन मिलेगा आपको आपके प्यार के साथ। आपकी तरफ से ही नहीं, सामने से भी उतना ही वापस आएगा। पूरी मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना ये बहुत चमत्कारी काम है। इससे पहले लोग देवताओं के साथ भी संवाद स्थापित कर लिया करते थे ऐसा करके। तुम तो फिर भी अपने पार्टनर को पाना चाहते हो। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ, पूरे आनंद के साथ करना, तुम जीत जाओगे। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है, बस तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास तगड़ा चाहिए, गुरु भक्ति चाहिए, गुरु का आदेश चाहिए, गुरु के चरणों में अनुराग चाहिए और निरंतरता चाहिए, तुम जीत जाओगे। तुम मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना खूब ख्याल रखना, मैं हूं तुम्हारे साथ, रोना मत, परेशान मत होना, किसी भी सूरत में उल्टा सीधा मत सोचना। तुम्हारी हर परिस्थिति को ठीक करने के लिए मैं निरंतर प्रयत्नशील हूं। तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मलीन परम पूज्य श्री महर्षि महेश योगी जी के दिव्य आशीर्वाद से राष्ट्र की समृद्धि, शांति एवं विकास हेतु श्री राम कथा एवं विष्णु महायज्ञ का आयोजन परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखारविंद से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अलौकिक लीलाओं का वर्णन, साथ ही विष्णु महायज्ञ का आयोजन दिनांक 10 दिसंबर से 18 दिसंबर तक, स्थान महर्षि आश्रम नोएडा सेक्टर 110, आयोजक महर्षि आश्रम। कथा श्रवण करें समय सायं 3 बजे से 6 बजे तक एवं यज्ञ का समय 9:30 बजे से 12:30 बजे तक। इस कथा का सीधा प्रसारण देखिए सतगुरुनाथ के ऑफिशियल चैनल पर, डी लाइव देखें वैदिक चैनल पर 1:00 बजे से एवं आस्था पर 11:20 बजे से। कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202, 6391292929।